नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने करवाया सर्वे। बिहार के बेगूसराय में लग रहा रोजगार मेला। प्रदेश में होने वाले साइबर अपराध और साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए हो रहा ये काम। बिहार में उद्योग लगाने के लिए युवाओं को मिल रहा प्रोत्साहन। खो गया है आयुष्मान कार्ड तो ना हो परेशान, करे ये काम। ध्रुव दुरेल ने MS धोनी की बराबरी। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार। UPSC ने 85 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। UPSC ने 85 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों ने जियोलॉजिकल साइंस या जूलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। प्रदेश में होने वाले साइबर अपराध और साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए हो रहा ये काम। बिहार के सभी साइबर थानों को एक कोर नेटवर्क से जोड़ने की बात सामने आई है। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। ये नेटवर्क आधुनिक किस्म का है, जिसमें सभी थाने आपस में जुड़ने के साथ ही EOU के साइबर कोर सेंटर से जुड़ जाएंगे, ताकि प्रदेश में सभी साइबर अपराधियों और होने वाले साइबर अपराध पर नकेल कसी जा सके। सभी साइबर थानों का आपस में जुड़ाव होगा, जो तो समन्वय बेहतर रहेंगे और इससे अपराधियों को पकड़ने में भी आसानी होगी। इस विशेष कोर नेटवर्क सिस्टम को विकसित करके सभी थानों को जोड़ने की प्रक्रिया को CDAC संस्थान की पटना इकाई के साथ एक विशेष समझौते के तहत पूरा किया जा रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे तथागत तुलसी अवतार के बारे में। एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी है। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1987 में बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने महज 9 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई, 11 साल की उम्र में BSc की पढ़ाई और 12 साल की उम्र में पटना साइंस कॉलेज से MSc की डिग्री हासिल की। 2009 में इन्होंने 21 साल की उम्र में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। इन्हें जर्मनी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुना गया था। इन्हें टाइम पत्रिका ने भी प्रतिभाशाली एशियाई युवाओं में से एक बताया है। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने करवाया सर्वे। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कई कोशिशें की थी, लेकिन बावजूद इसके मतदान प्रतिशत कम रहा। इसे देखते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे करवा रही है। इस सर्वे के तहत लोगों से कम मतदान प्रतिशत को लेकर सवाल किए जा रहे थे। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र के 4-4 बूथ पर यह सर्वे चल रहा था। 4 सितंबर से शुरू हुआ यह सर्वे 8 सितंबर तक चला है। इस दौरान मतदाताओं से ये भी सलाह ली गई थी कि चुनाव की प्रक्रिया में और कैसे सुधार किया जा सके। जिन लोगों ने मतदान नहीं दिया है उनसे इसकी वजह भी पूछी जा रही थी। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम पर भरोसा है या नहीं, कि आपके प्रत्याशी अच्छे नहीं थे, ऐसे कई सवाल किए गए। इस सर्वे का उद्देश्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की थी। भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों को लेकर ये जरूरी बात आई सामने। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राजस्व पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे रैयतों से संपर्क करके उनके परेशानियों के समाधान का प्रयास करें। अब इसी बीच एक राजस्व पदाधिकारी ने कहा है कि रैयतों को अपनी जमीन का स्वघोषणा के साथ वंशावली बनाकर जमा करना है। उस घोषणा पत्र में जमीन का पूर्ण ब्यौरा देना होगा। रैयतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोटरी या दंडाधिकारी से कोई शपथ पत्र नहीं देना है। सरपंच या कोई भी जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्वे में रैयतों को केवल अपनी जमीन का मालिकाना हक से संबंधित कागजात या ब्यौरा देना है। रैयतों को स्वघोषणा पत्र के साथ स्ववंशावली यानी अपने हाथों से लिखा हुआ वंशावली ही मान्य है। आपको बता दें कि हमने ये जानकारी मीडिया खबरों के मुताबिक दी है। नियोजित शिक्षकों की तुलना में अब BPSC शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता। शिक्षा विभाग ने BPSC शिक्षक को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति देने के नए नियम जारी किए हैं। अब स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए BPSC शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि नियोजित शिक्षकों को इस पद से हटा दिया जाएगा। यदि स्कूल में अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है तो पुराने वेतन मान वाले शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, और अगर ऐसे शिक्षकों की संख्या अधिक है तो सबसे वरिष्ठ शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इस निर्णय से नियोजित शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई नियोजित शिक्षक वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।
डीपीओ स्थापना ने सभी अधिकारियों को विभाग के आदेश की जानकारी दे दी है। भभुआ में शिक्षकों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति बंद करने की मांग भी उठाई गई थी। डेंगू से निपटने के लिए जिलों को आवंटित होगी फॉगिंग मशीनें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले वर्षों में कई जिलों को फॉगिंग मशीनें आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, जिससे फॉगिंग कार्य प्रभावित हो रहा है। इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने मई जून में 120 नई फॉगिंग मशीनें खरीदने का आदेश दिया था। ये मशीनें अब जिलों में वितरित की जाएंगी। जिलों की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर मशीनों का आवंटन किया जाएगा। डेंगू से प्रभावित जिलों जैसे भागलपुर, मुंगेर, गया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर को 5-5 मशीनें मिलेंगी, जबकि अरवल, औरंगाबाद, दरभंगा, बिहार, पूर्णिया, सारण और सिवान को 4-4 मशीनें दी जाएंगी। पटना को 3 और अन्य जिलों को 1-3 मशीनें दी जाएंगी। मशीनें इस महीने के अंत तक जिलों को मिल जाने की उम्मीद है। इन मशीनों की खरीद के लिए 76 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। बिहार के बेगूसराय में लग रहा रोजगार मेला। 13 सितंबर को बिहार के बेगूसराय में जॉब कैंप का आयोजन हो रहा है। ये जॉब कैंप बेगूसराय के संयुक्त श्रम भवन में लगेगा। रोजगार मेले के तहत 30 लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 10वीं पास युवा इसमें भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए जरूरी है कि आपने www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन करवाया। सीसीटीवी कैमरा लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। सीसीटीवी कैमरा एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी डिवाइस है, जो आपके घर, ऑफिस या किसी भी जगह की निगरानी करता है। यदि आप एक नया सीसीटीवी कैमरा खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें उच्च रेजोल्यूशन कैमरा चुने, ताकि तस्वीरें और वीडियो स्पष्ट हो। वाइड एरिया कवर के लिए वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा चुने। लगातार रिकॉर्डिंग की सुविधा वाला कैमरा खरीदें। रात की निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरे का चयन करें, जिसमें इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं। वहीं आईपी कैमरे नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, जबकि एनालॉग कैमरे सीधे रिकॉर्डर से जुड़ते हैं। कैमरे को ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे ज्यादा एरिया कवर हो सके। केबलिंग अंडरग्राउंड रखें और रिकॉर्डर लगाना ना भूलें। नियमित सफाई, फर्मवेयर अपडेट और रिकॉर्डिंग की जाँच करते रहें। बिहार में उद्योग लगाने के लिए युवाओं को मिल रहा प्रोत्साहन। बिहार में उद्योग लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत जीएसटी की तैयारी, स्टाम्प शुल्क में छूट, बैंक लोन पर ब्याज का भुगतान, कपड़े और चमड़े के उद्योगों को विशेष सहायता, सस्ती दरों पर औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन, बैंक से लोन लेने में सहायता, प्लग एंड प्ले से और कैपिटल सब्सिडी जैसी कई सहायताएं दी जा रही हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप state.bihar.gov.in/industries पर जाकर विजिट कर सकते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने रखी अपनी बातें। बीते दिन पटना मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले बिहार कॉलेज ऑफ फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में एम्स नई दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी से वरिष्ठ भौतिक चिकित्सा डॉक्टर प्रभात रंजन को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर प्रभात रंजन ने पैरालिसिस को लेकर अपनी बातें रखी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल थेरेपी विभाग अध्यक्ष एवं नियंत्रण पदाधिकारी डीआर किशोर कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के संचालन में वरिष्ठ बहुत व्यावसायिक चिकित्सा अभय कुमार जयसवाल, डॉक्टर रजनीश चंद्र विद्यार्थी, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर आलोक प्रियदर्शी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीआर इमरान हुसैन ने इस वर्ष के विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के विषय को बैक पेन पर अपना व्याख्यान दिया। बिहार में तार के पेड़ों से कारोबार की रफ्तार को मिलेगी उड़ान। बिहार में तार के पेड़ों की संख्या 1.13 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में व्यावसायिक उन्नति की कमी है। हालांकि केरल जैसे राज्यों में तार की प्रजातियों की संख्या कम होने के बावजूद वहां का व्यवसाय उन्नत है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इस स्थिति को बदलने की पहल की है। BAU ने भारतीय तेल तार अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर तार के पेड़ों पर अनुसंधान शुरू किया। ये अनुसंधान तार से बनाने वाले उत्पाद जैसे नीरा, तेल, खाद्य उत्पाद, डिटर्जेंट और सौंदर्य प्रसाधनों पर केंद्रित होगा। BAU ने नीरा पाउडर और पैकेजिंग का पेटेंट भी करवाया है। बिहार में कम ऊंचाई वाले तार के पेड़ों को विकसित कर किसानों को लाभ पहुंचाने की योजना है। BAU और ICAR मिलकर तार की बौने किस्मों को विकसित करने पर काम करेंगे।
बिहार के न्यायिक पदाधिकारियों को इन अस्पतालों में मिलेगी अब कैशलेस इलाज की सुविधा। बिहार के न्यायिक पदाधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अब 361 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पतालों की सूची तैयार की है जिनकी समीक्षा जिला स्तरीय टीम द्वारा की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी जिलों के डीएम को आवश्यक सुविधाओं वाले अस्पताल की सूची तैयार करने को कहा गया था। सूची में अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण के अस्पताल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक पदाधिकारी निजी अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हैं और भुगतान बाद में कर सकते हैं। खो गया है आयुष्मान कार्ड तो ना हो परेशान, करें ये काम। यदि आपका आयुष्मान कार्ड खो जाए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इलाज के लिए आपको बस एक आसान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और कभी कभी अनजाने में बीमारी या अचानक इलाज के खर्चे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं होता। आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों की 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। इसके तहत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है जो आपको सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ देते हैं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड खो जाता है तो अस्पताल में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को बनाएं, वहां मौजूद आयुष्मान मित्र आपकी पहचान की पुष्टि करेंगे और आपको मुफ्त में इलाज मिल सकेगा। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आयुष्मान मित्र से सलाह ले सकते हैं। 15 सितंबर से भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हो सकता है संचालन। 15 सितंबर से भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ये ट्रेन 8 चेयर कार कोच वाली होगी। इस रेलखंड पर चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने रेल मंत्री भी पहुंच सकते हैं। इस ट्रेन के संचालन को लेकर एक टाइम टेबल भी वायरल होता दिखाई दे रहा। वायरल हो रहे टाइम टेबल के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से वंदे भारत का परिचालन होने वाला है। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक ये ट्रेन करीब 6 घंटे में भागलपुर हावड़ा की दूरी तय करेगी। ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन हो सकता है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की है संभावना। बिहार में हल्की बारिश के बाद अब लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ने के कारण लोग परेशान हैं। प्रदेश में आज कई जगहों पर बारिश की स्थिति भी बनी हुई है। आज मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना जताई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री तो कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही है। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में डकैती के मामले में आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में डकैती के मामले को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस मामले को लेकर जांच में लगी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तनिष्क के शोरूम में लूट का मामला 26 जुलाई 2024 को ही सामने आया था। इस दौरान शोरूम से करोड़ों रुपए की लूट की खबर सामने आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे करें इमरजेंसी फंड की प्लानिंग, जरूरत के समय आएंगे काम। जिंदगी में अब क्या कब हो जाए इसे कोई नहीं जान सकता। एक निम्न परिवार के लिए पैसों का काफी महत्व है और कभी भी किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में इमरजेंसी फंड आपके काम आ सकता है। ये फंड आपको आपातकालीन स्थितियों में सहारा देता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस इमरजेंसी फंड की आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड की राशि आपकी मासिक सैलरी का कम से कम 6 गुना होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और खर्चों के अनुसार कम या बढ़ भी सकती है। इसे ऐसी जगह पर निवेश करें जहां पैसे आसानी से निकाले जा सके, जैसे सेविंग अकाउंट, एफडी या म्यूचुअल फंड। इस फंड का उपयोग जॉब छूटने, अचानक से आए खर्चे जैसे घर या गाड़ी रिपेयर, परिवार की इमरजेंसी और मेडिकल आपात स्थितियों में किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बॉलीवुड के नए कपल सोनाक्षी और जहीर का वायरल हो रहा है वीडियो। पूरे देश में गणेश चतुर्थी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इसी बीच अब बिहार से अपना संबंध रखने वाले बॉलीवुड हीरोइन जो अभी हाल में ही जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं, उन दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें सोनाक्षी और जहीर दोनों बप्पा की आरती करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में सोनाक्षी ने लिखा है कि प्यार तब भी और बढ़ जाता है जब पार्टनर से एक दूसरे की भावना और मान्यता की इज्जत करते हैं। शादी के बाद हमारे पहले गणपति। जदयू ने विपक्षियों को IGIMS चक्षु केंद्र में इलाज करवाने की दी सलाह।
जदयू पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्षियों पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार में हो रहे विकास की सराहना करते हुए कहा कि जिनको अभी बिहार में स्वास्थ्य संबंधी विकास नहीं दिखाई दे रहा, पटना का मरीन ड्राइव नहीं दिख रहा, वो महज 5 रुपए में IGIMS परिसर स्थित पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी चक्षु अस्पताल में अपना इलाज करवा ले। आगे उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के रिपोर्ट को अब राजेश नेत्र अस्पताल एम्स नई दिल्ली भी अमान्य नहीं करेगी। कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। अभी हाल में जेपी नड्डा के साथ मंच साझा करने के दौरान सीएम नीतीश ने कहा था कि राजद में जाना मेरी गलती थी, अब वे इधर उधर नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन सीएम नीतीश के इस बयान पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, बिहार के लोगों का भला करे, बाकी तो सब बात बनाना है। बिहार तो भगवान भरोसे चल रहा है, लोगों की बदहाली खत्म करे, आमदनी बढ़ाने का उपाय करे, इस पर नीतीश कुमार को बोलना चाहिए, तो इधर उधर नहीं जाना यही बोलकर तो आते जाते रहते हैं। ध्रुव जुरेल ने MS धोनी की बराबरी। इंडिया ए के विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने दलीप ट्रॉफी में MS धोनी को टक्कर दिया है। दरअसल इन्होंने धोनी के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जुरेल ने इंडिया बी के खिलाफ दूसरी पारी में 7 कैच लेकर धोनी के 2004-05 दलीप ट्रॉफी मैच में एक पारी में सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है। धोनी और जुरेल दोनों ही खिलाड़ियों से पहले ये रिकॉर्ड सुनील बेंजमीन ने किया था। फाइनल में 6 कैच और 1 स्टंपिंग की थी। जुरेल ने महत्वपूर्ण विकेटों के लिए जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान इनकी पारी फीकी रह गई। ये पहले पारी में 2 रन और दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1915 में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच उड़ीसा के काप्टेवाड़ा में संघर्ष हुआ था। आज के दिन वर्ष 1920 में अलीगढ़ को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रूपांतरित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत के महेश भूपति और जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का मिस्र युगल खिताब अपने नाम किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार और लोकवार्ताकार डॉक्टर अर्जुन दास केसरी को साहित्य महोपाध्याय अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। आज के दिन वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। पीएम कुसुम योजना के नाम पर वायरल हो रहा है ये फर्जी लेटर। कुछ लोगों को पीएम कुसुम योजना के तहत एक लेटर भेजा जा रहा है, जिसमें पंजीकरण शुल्क के रूप में 8,000 रुपए अप्रूवल लेटर के लिए देने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। ये योजना राज्य सरकार के नामित विभागों द्वारा क्रियान्वित होती है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप mnre.gov.in पर जा सकते हैं। यदि आपको भी ऐसा कोई लेटर प्राप्त होता है तो उस पर विश्वास करने से पहले उसके सत्यता की जाँच जरूर कर ले। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। ICSE 10वीं इम्प्रूवमेंट रिजल्ट हुआ जारी। ICSE 10वीं का इम्प्रूवमेंट रिजल्ट CISCE द्वारा जारी कर दिया गया है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा इस रिजल्ट को results.icse.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपना रिजल्ट देखने के लिए कोर्स का नाम, यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। बच्चों ने जिस विषय में इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दी है केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ाए गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसे जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यार, स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारतीय नौसेना को P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी USA। इसका सही उत्तर है फ्रांस। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 9%। इसका सही उत्तर है 7%। दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी ने। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी,
ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रवि कुमार, राम, बिरजू कुमार, भरत प्रसाद, शशि कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रामनवमी मांझी, शोभानंद ठाकुर, शिवचंद्र मंडल, मोहम्मद अरमान, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल को, आज का सवाल है आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।